के पूर्व पार्षद उस्मान पटेल ने कहा कि पिछले कुछ एक दो महीने से देश में कई बड़े मुद्दे हुए हैं, जिनमें सरकार द्वारा एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उस्मान पटेल ने कहा, देश में CAA उसके पहले तीन तलाक लाया गया, धारा 370 हटाई गई, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन CAA के अंदर ये तीन देशों के लोगों को ला रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मुस्लिमों को लेने से मना कर दिया गया। फिर NPR लाया गया और NPR NRC का ही बदला हुआ नाम है, खुद गृह मंत्री ने ही यह बात कही है। इसलिए मुझे इन सब के बाद एक लाइन बनती नजर आई जिसमें मुस्लिमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। NPR और NCR के इतने कागजों को मांग कर जनता को परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से ये सब हो रहा है तो दिखता है, समझ में आता है, किसी एक वर्ग को विशेष कर पीछे छोड़ा जा रहा है। हमारी माँ बेटियां 1.5 महीने से विरोध में बैठी हुई हैं। देश के PM और गृह मंत्री ने इनके लिए क्या किया? मैं अटल बिहारी जी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया था, 40 वर्षों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि पार्टी अटल जी के सिद्धांतों से भटक रही है। BJP अब मुस्लिमों को रखना ही नहीं चाहती, थोड़ी समस्या आ रही थी। काम कर रहा हूँ, कर रहा था, लेकिन पिछले कई 1.5 माह से मैं देख रहा था कि कई मुद्दे हुए इसके पहले, कि तीन तलाक का मुद्दा आया तो किसी ने समाज के विभाजन में कोई व्यक्ति ने किसी ने हर तबके का आदमी, मुस्लिम समाज के आदमी ने कहा ठीक है, जबकि वो भी शरीयत के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हुए, तीन तलाक का मुद्दा हुआ, धारा 370 के मुद्दे हुए, सब जहाँ राष्ट्रहित के मुद्दे हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी ये जो करीब 1.5 माह से जो नया कानून लाया गया है CAA, तो CAA कानून जो लाया गया है इसमें तीन देशों से जो आए लोग हैं, उन तीन देशों से आए लोगों को सहज स्वीकार करने की बात है, कोई दिक्कत नहीं, लाइए उनको, लेकिन वहाँ मुस्लिम समाज, मुस्लिमों को उसमें छोड़ा गया। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि इसके बाद NPR लाया गया, तो NPR के अंदर ये गृह मंत्री जी का खुद का वक्तव्य है कि NPR ही NRC का एक रूप है, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर उन्होंने सांसद में कहा कि इसके बाद हम NRC लाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी ये हुई कि भाई, या लोगों ने सोचा, और जो एक जुड़ाव देखा गया तीनों कानूनों से, एक लाइन बनती नजर आई कि जो एक CAA मुस्लिमों को छोड़ा और NPR जो है उसके अंदर नए उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जोड़े गए, जबकि पुराना जो था उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें नए नए पॉइंट जोड़े गए कि आपके पिताजी कहाँ थे, उनके पिताजी कहाँ से आए थे, ऐसी कई बातें नई बहुत सारी बातें उसमें लाई गई। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी धर्मों के लोग जो इस तरह से परेशान हो गए, जिस तरह नोटबंदी में डॉक्यूमेंट सबसे नोट बदलवाए गए और आज सैकड़ों लोगों ने जान दी, इतनी परेशानी हुई, उसी तरह ये कानून भी वही स्थिति बनने जाने वाली है कि आदमी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, कई घुमंतू जातियाँ होती है, कई हर धर्म में वो कहाँ से डॉक्यूमेंट ला कर देंगे, जो लोग जिनके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं होते। इस देश में 5,500 से अधिक दंगे हुए, बाढ़ आ जाती है, चोरी हो जाती है और कई तरह की परेशानियाँ आती है उसमें, तो लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है, कई बार बाढ़ में डॉक्यूमेंट खराब हो जाते हैं। अब गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि भैया आपका आधार भी नहीं चलेगा, आपका पासपोर्ट नहीं चलेगा, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आपको 71 से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आदमी इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ला कर देगा, इन्हें ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने वाली बात है, और एक खास तौर से वर्ग विशेष को जो आप उन्होंने CAA में छोड़ा गया, कहीं ना कहीं ये चैनल बनती दिखाई दे रही है कि सभी धर्म के लोगों को तो ये कहा जाएगा कि आप इसमें आ जाइए हमारे देश में वापस, और करीब 25 करोड़, मान लीजिए 25 करोड़ संख्या के, उसमें से कम 2 या 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना, इन कारणों से खराब हो गए, कहीं कुछ हो गया, किसी तरह से अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, जिस तरह आसाम में हुआ। तो क्या हर पूरे देश को आसाम की तरह आसाम बनाया जाएगा क्या? तुम आसाम में कितनी परेशानी हुई, आज वहाँ पर 15 लाख अन्य वर्गों के लोग और करीब 4 लाख मुस्लिम वर्ग के लोग कितने परेशान हुआ, आज डिटेंशन सेंटरों में उन्हें डाला गया, और आज कितनी परेशानियाँ उन्हें झेलना पड़ी, बेचारे इतने परेशान हुए कि आज उनकी पीढ़ियाँ खराब हो गई और कई लोगों ने वहाँ जान दे दी, और परेशान हो रहे हैं आज वो लोग, आज असम में जाकर देखिए क्या स्थिति है। तो मेरा ये कहना है
कि उसके बाद चलो ठीक है यहां तक कि भाई जो आपने किया अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अभी हमारी माँ बहनें 1.5 माह से आज विरोध कर रही हैं और वो चौराहों पर बैठी हुई हैं 1.5 माह से, हमेशा अब जाति की बातें करने लगी है, जातिवाद की बातें, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग देखने की बात करने लगी है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो मुस्लिमों से को चाहती ही नहीं, मुस्लिमों को रखना ही नहीं चाहती, ऐसा लगने लगा है। तो इन सब बातों को से द्रवित होकर मैंने यह अपने करीब 500 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा।